जय श्री राम। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का नौवीं दिन पर राम जी का जन्म होता है माता कौशल्या और दशरथ जी से। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं चौथा अध्याय के नौवां श्लोक पर, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्वक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। भगवान बता रहे हैं कि जो कोई भी मेरा जन्म के बारे में, कर्म के बारे में जानता है, तो वो व्यक्ति ये शरीर छोड़ने के बाद इस भवसागर में आता नहीं है और मेरे धाम में आ जाता है। तो राम नवमी का तिथि ये राम जी का जन्म का तिथि है। भगवान इस तिथि पर जन्म लिए हैं। तो हमको समझना चाहिए कि भगवान का तत्व क्या है, वो कैसे जन्म लिए हैं, कौन है, उनको कैसे समझ सकते हैं। जब व्यक्ति इस चीज को इस रामनवमी में समझता है, तब वो जब इस संसार को त्याग करता है, शरीर छोड़ता है, वो भगवान के धाम जा सकता है। तो देखिए, अगर राम जी के बारे में अगर हमको समझना है तो कैसे समझेंगे, तो उनके लिए जो भगवान शास्त्र दिए हैं, जब वो पढ़ेंगे तब हम उनको समझ सकते हैं। जैसे कि रामायण है, जो वाल्मीकि मुनि ने लिखा है, रामायण में 7 कांड है और 24,000 श्लोक है। जब हम उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, तब राम जी के बारे में उनका जन्म कर्म सब कुछ हम जान सकते हैं और उसका लाभ उठा के शरीर जब त्याग करेंगे तो भगवान के धाम जा सकते हैं। ये हमको करना चाहिए। तो रामायण तो बहुत बड़ा व्यस्तार है, मैं एक छोटा सा सीख बताऊंगा। जैसे राम आते हैं और लीला करते हैं, लीला मर्यादा पुरुषोत्तम, और लीला करते करते भगवान बहुत सारा चीज़ एक साधारण जीव के लिए भी सीखने के लिए बताते हैं। जैसे आचार्यगण श्री संप्रदाय में टीका लिखते हैं कि सीता देवी जो हैं एक जीव का प्रतीक है। जब सीता देवी वो जब सोने का हिरण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, जो सोने का हिरण है और एक माया का प्रतीक है, तब राम जी जाते हैं सोने का हिरण को पकड़ने के लिए। और देखिए, जब व्यक्ति साधारण जीव माया मटेरियल एनर्जी से आकर्षित हो जाता है, उसी समय इस भौतिक मन जो रावण है, यह भौतिक मन का प्रतीक है। और रावण का 10 सर जो है वो 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जब ये भौतिक मन ये 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रिय से जीव को जकड़ देता है, पकड़ देता है, और रावण लेके सीता को कहाँ रखा, जाके श्री लंका में रखा, जो लंका है इस भौतिक शरीर का प्रतीक है। और जीव को इस माया, इस मन पकड़ के इस भौतिक शरीर में रख देता है, तब जीव भगवान से दूर हो जाता है। और राम जब लौट के आए और सीता को नहीं मिले, तब राम जी किसको भेजते हैं, हनुमान जी को भेजते हैं सीता को ढूंढने के लिए। तो हनुमान जो है एक गुरु का प्रतीक है, गुरु आते हैं जीव को उद्धार करने के लिए। तो राम जी हनुमान को भेजे ताकि जानने के लिए सीता देवी अभी लंका में है, रावण के साथ है, इतना वहाँ पर ऐश्वर्य है, सच में क्या लौट के आना चाहती है, या वहाँ पर खुश है, जाके हनुमान देखो और परिस्थिति मुझे बताओ। और हनुमान जब राम को बताते हैं कि हे भगवान, सीता देवी तो आपके विरह में व्याकुल है और आपको मिलने के लिए बहुत चेष्टा कर रही है, तब राम जी सुग्रीव का सहायता लेते हैं और वानर सेना के द्वारा रावण को परास्त करते हैं और सीता देवी को फिर से लेके आते हैं। उसी तरह जब भगवान गुरु को भेजते हैं, गुरु प्रयास करते हैं जीव को किस तरह फिर से भगवान के साथ जोड़ने के लिए, जीव के हृदय में कैसे भगवान को पाने के लिए वो इच्छा को प्रकट करते हैं, और तब भगवान वैष्णवों को भेजते हैं। देखिए, वैष्णवों को भेजते हैं और वैष्णव साधारण जीव को भगवान के साथ संपर्क करते हैं, तब वैष्णव को जब कृपा मिलता है, तब जाके भगवान का कृपा मिलता है और जीव भगवान को प्राप्त कर पाता है। इसलिए वैष्णवों का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए शास्त्र में बोला गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। इसलिए रामायण में ये जो सिख आचार्यगण दिए हैं, बहुत ही मतलब हमारे जीवन में इसको उतारना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस तरह वैष्णव का संग लिया जाए और उनके संग के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।